ਮਤਲਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਸਾ ਦੇ ਰੇਖਾ ਵਿਮੁਦੀਕਰਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ 370 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ दिल्ली की पावर तो खुद इन्होंने छीन रखी है। मैं रोज लड़ रहा हूँ दिल्ली के लिए और सुप्रीम कोर्ट में हमने केस कर रखा है। रोज इनसे मोदी से मैं लड़ता हूँ। मैं किसी भी स्टेट की पावर को कम समझ नहीं रही हूँ। किसानों के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है आप मेरे से पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल प्रश्न जितने हैं हम बाहर जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक मिनट। अगर मैं किसानों के हक में नहीं हूँ, इस देश का कोई नेता किसानों के हक में नहीं है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है किसानों के लिए। जितना 7 साल की हमारी दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए किया, मैं नहीं समझता किसी भी सरकार ने आज तक किया। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमारी नीयत भी साफ है, हमारे कर्म भी साफ है। मतलब मंडियां तोड़िया जा रही ने कानून बनाए स्टेट का अधिकार ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ।